हेलो फ्रेंड, दिस इज हिमांशु एंड आज का आप वीडियो देख रहे हैं हुंडई एक्सट्रेल पे। इसमें मैं एक फुली वॉक राउंड करूंगा इस वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो रहना है खाली वॉक राउंड रहने वाला है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ओनली रिव्यू है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है हमें, क्या प्राइस है, कितने इंजन मिलते हैं, क्या CNG में है, क्या माइलेज है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इंटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर में क्या है, क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या बेस मॉडल की प्राइस है, ये सब कुछ रहेगा। इसके अलावा कोई डाउट हो इस वीडियो पे आपका या फिर इस गाड़ी पे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मिलते हैं एंड अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं हिमांशु सिंह नाथा नाम से। तो सबसे पहले गाड़ी पे बात करने से पहले बात करेंगे चाबी पे। चाबी वो ही पहले वाली मिलेगी आपको, कोई डिफरेंट चाबी नहीं है, वही आप हुंडई वाली जो स्टार्टिंग से जो 2 की आ रही है वही 2 की मिलेगी आपको। दोनों पोजिशन स्टार्ट है, ये टॉप एंड वेरियंट है। सो देखेंगे आप इस गाड़ी पे कि की के अंदर हमें क्या फीचर मिलते हैं। एक मिलता है लॉक अनलॉक एंड बूट होल्ड करके दबाएं तो बूट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये साउंड सुनाई देता है आपको लॉक अनलॉक करने पे, अगर इसको ऑफ करना चाहे तो वो फीचर आपका अवेलेबल होता है। दोनों बटन जो है वो आप दबा के रखेंगे तो साउंड आपका ऑफ हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको दबा के रखा, ठीक है, 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आपको दबा के रखना, ये हैजार्ड जो है ब्लिंक करते हैं, उसके बाद जो साउंड है आपका वो गाड़ी का बंद हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। वापस चालू करना है तो दोनों जो बटन है उनको दबा के रखिए एंड आपका साउंड जो है लॉक अनलॉक का वापस से चालू हो जाएगा। तो 2 की मिलती है, आप एक ही घर रख सकते हैं, एक ही आप साथ में कैरी कर सकते हैं। कोई भी बटन से गाड़ी को स्टार्ट करने का कोई भी फीचर इसके अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये चाबी बात होते हैं ख़त्म। एंड कभी अगर सेल डाउन हो जाए इस बैटरी का तो क्या करना होता है आपको, ये जो बटन दिख रहा है इसको दबा के यहाँ से ये जो की है इसको बाहर निकाल ली जाती है एंड आप मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। आपके सामने जो एक्स्ट्रा खड़ी है उसका डिज़ाइन एक बार आप देख सकते हैं। गाड़ी का जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है, ग्लॉसी डिज़ाइन दिया गया, मस्कुलर डिज़ाइन दिया गया, बॉक्सेस का जो शेप दिया गया इस गाड़ी का वो आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं फ्रंट से। सो जो हुंडई का नया वाला जो मोनोग्राम आया है, जो क्रोम नहीं है, सिल्वर है बट क्रोम नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पहले वाले से। हुंडई एक्स्टर का ही लोगो पूरा नाम एक बीच करके लिखा गया है, जो आगे चल के जो कस्टमर्स हैं वो लिखवाते हैं बोनट पे, वो अब ट्राई करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, वो आपको ऑलरेडी यहाँ दिया गया है। एक ब्लैक कलर की पट्टी दी गई, हो सकता है आने वाला टाइम जब अपडेट आता है BS2 अपडेट आया था अभी, वैसे इसके अंदर का भी अपडेट आया तो हो सकता है जो ये कनेक्टिंग लाइट है यहाँ दे दी जाए। अभी जो कनेक्टिंग लाइट है वो यहाँ दी गई है, ठीक है, इस जगह यहाँ कनेक्टिंग लाइट है जो इंस्पायर है आपकी बात कर सकते आयोनिक 5 से। नीचे चलते हैं तो नीचे आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर लैम्प, जो ये वाली डिज़ाइन दी गई है, ये जो ग्रिल के अंदर ग्लोसी सी वही सेम डिज़ाइन यहाँ लाइट के अंदर मिलती है, दिख रही हो तो आपको। ये जो डिज़ाइन है, ये एलिमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रहे हैं। यहाँ पे आपको जो बटन वो मिलता है होल्ड करने का, अगर गाड़ी कहीं बंद हो जाए, को टोइंग करनी हो तो यहाँ पे आप बटन इसको दबा के इनसाइड हो जाएगा एंड आपका लॉक यहाँ लगा के आप ले जा सकते हैं गाड़ी को खींच के। यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा है, हल्की सी डिज़ाइन दी थी यहाँ पे। एंड इसकी ब्राइटनेस की बात तो मैं नहीं कर सकता, कभी एक्सपीरियंस करके बताऊंगा कि इसका ब्राइटनेस कितना है, पर प्रोजेक्टर लैम्प है, दिखने में अच्छा दिख रहा है, मस्कुलर दिख रहा है। ब्लैक ही सा साइड में कर दिया गया है, इसको हल्का क्रोम का फिनिश दिया गया है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ स्क्रीन प्लेट मिलती है जो प्लास्टिक है, दिखने में आपको मेटल दिखेगी। यहाँ पे स्क्रू जैसा कुछ दिया गया है बट स्क्रू नहीं है, इसके अंदर डिज़ाइन दी गई है। इसके अलावा ब्लैक आपका कलर आ गया ब्लैक एंड ये नीचे आ गया ग्लोसी, मतलब ग्लोसी या सिल्वर, मतलब एक मेटल जैसा डिज़ाइन आपको मिलता है नीचे ग्रिल, जहाँ से एयर आराम से जा सकती है। यहाँ कोई एयर लेने का, हाँ है, यहाँ पे भी एयर का ऑप्शन दिया गया है एंड नीचे भी आपको एयर का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से गाड़ी आराम से बाहर की हवा ले सकती है एंड कूलिंग कर सकती है आराम से अपने आपको। हीटेड वाला जो प्रॉब्लम होता है वो चीज़ यहाँ फेस नहीं होती है एक्स्ट्रा। तो दिखने में काफ़ी मस्कुलर दिखती है, सेम ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मिलिट्री कलर बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, बट ये इंस्पायर बहुत ज़्यादा लगता है मिलिट्री आर्मी वालों से, बट ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है इस कलर में। साइड की बात करूँगा तो ये स्किड प्लेट जो आपको दे रही है, साइड बम्पर्स, ये बहुत अच्छा लग रहा है मस्कुलर, इस गाड़ी को बड़ी बल्की सा शेप बना रहे हैं इस गाड़ी को। अलॉय व्हील की बात करूँ तो ये R15 का अलॉय व्हील मिलता है, टायर आपको मिलता है वो मिलता है इसमें, जैके का टायर मिलता है आपको। अलॉय व्हील डिज़ाइन जो है ये फैंसी रिम नहीं है, ये अलॉय व्हील है, जैसे कि वेन्यू के अंदर एक डिज़ाइन दिया गया है व्हील केप का, वैसा टाइप का नहीं है, ये आपका अलॉय व्हील है। आपके साइड मिरर जिसमें आपके जो इंडिकेटर मिलते हैं वो इंस्पायर मिलता है आपको हुंडई वेन्यू से, आप देख सकते हैं। ये ड्यूअल टोन कलर के साथ है, सिंगल कलर के साथ भी मिलता है आपको ये गाड़ी। इसके अंदर कुली 5 कलर मिलेंगे, 3 ड्यूअल टोन कलर मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर का यूज़ किया गया है ड्राइविंग साइड की तरफ, आप दबाइए साइड मिरर आपके अनलॉक होते हैं। वेलकम फीचर दिया गया है, जैसे गाड़ी आप दूर जाते हैं चाबी आपके पास होते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक आपके लॉक हो जाती है। पीछे की तरफ आएंगे, ऊपर रूफ रेल बहुत अच्छा फीचर है, सनरूफ मिलता है, साक्फिन एंटीना मिलता है, आपका भेजा मिल जाता है आपको, स्पॉइलर जो ब्लैक कलर का है बहुत अच्छा लग रहा है। हुंडई ने काफ़ी एलिमेंट किया इस फीच पे,
जैसे कि हुंडई की हर गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक का यूज़ किया जाता है, वहीं पियानो ब्लैक यहाँ यूज़ किया गया, बट इसमें टेक्सचर दिए गए हैं जो फ्रंट में जो ग्रिल है उससे इंस्पायर लग रहे हैं। यहाँ पीछे लिखा हुआ है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ये मेंशन किया गया है हमारी गाड़ी में 6 एयर जो एयरबैग है यूज़ किए गए हैं। हाई स्टॉप लैम्प यहाँ दे रखा है आपको, इस जो आपका वाइपर है उसकी नोजल आपको मिलता है, डीफोगर, पार्सल ट्री। ये रोशन हुंडई में मैं शूट कर रहा हूँ, रोशन हुंडई से आप गाड़ी जब भी आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, उससे लोकेशन भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। जो रियर की डिज़ाइन है वो भी इंस्पायर है फ्रंट वाली डिज़ाइन से, इसके टेल लैम्प इसकी डिज़ाइन भी फ्रंट वाले जो आपके हेड लैम्प है उससे इंस्पायर है। LED मिलती है जो फ्रंट में है, वो हैलोजन बल्ब है, वहाँ भी LED देनी चाहिए। काफ़ी सारे कस्टमर्स को यही प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी को हैलोजन पसंद आता है, किसी को आजकल LED पसंद आते हैं, तो LED होने चाहिए। एक्चुअली पीछे आती है आपके SX की बेजिंग, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, वही सेम जो मेटलिक जो यूज़ किया गया है वही सेम टू सेम यहाँ यूज़ किया गया है। इसके अलावा डिग्गी खोलता हूँ तो आपको मिलती है 391 लीटर का बूट स्पेस, पार्सल ट्रे मिल जाएगी आपको यहाँ पे, 3 आपको सीट के आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है, 2 आर्मरेस्ट मिलते हैं, आप सीट को आगे की तरफ पुश कर सकते हैं, बट आपको इसको पुश करने के लिए ये वन साइड नहीं होगी, कम्प्लीटली आपको ये डाउन करनी पड़ेगी आपको ये सीट इस टाइप से, तो आपको जो डिग्गी स्पेस है वो पहले से ज़्यादा मिल जाता है। कोई आपको डिग्गी की लाइट, डिग्गी लाइट आपको अवेलेबल हो जाती है। इसकी मैं बात करूँ उसकी स्टैपनी की, तो वो आपको मिलती है यहाँ पे R14 की जैक मिल जाएगा यहाँ पे। पार्सल ट्रे की क्वालिटी की बात करूँ तो वो सेम है, बट हल्की सी यहाँ से पहले से बिल्ड क्वालिटी कम कर दी गई है। बाकी हमेशा जो प्रॉब्लम आती है वो इस रबड़ में आती है, ये जहाँ से डैमेज होता है अलग से मिलता नहीं है, तो काफ़ी सारे कस्टमर्स को ये वाली प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा बंद करने के लिए यहाँ से दबाइए एंड नीचे डाउन कर सकते हैं। बात करूँ पीछे वाले स्पॉइलर की, तो स्पॉइलर मुझे काफ़ी डिजाइनेबल एंड मस्कुलर लगा। ये सर जो स्पॉइलर है अब तक कोई भी गाड़ी में नहीं आया, साकफिन एंटीना डिज़ाइन काफ़ी मस्त लग रहा है, रियल में साकफिन ही लग रही है। वो जो रूफ रेल है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, ग्लोसी ब्लैक जो इसको ड्यूअल टोन दिया गया है, वाह मतलब कमाल। ठीक है, रियर की बात करूँ तो सेंसर आपको मिल जाते हैं 2 ही 3 सेंसर नहीं है, ये वैसे ही डिज़ाइन दे रही है जो फ्रंट में दे रही है, दिखने में मेटल दिखती है बट ऐसा कुछ नहीं है, ये स्क्रू जैसा नहीं है, ये बस दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्टर दिए गए हैं जो अच्छी बात है। इसके अलावा आपकी रियर लाइट इंडिकेटर जो इंडिकेटर वो नॉर्मल आपके हैलोजन बल्ब यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, एंड जो टेल लैम्प है वो आपका LED है, जला के भी दिखा देता हूँ अभी आपको। एंड यहाँ से गाड़ी देखेंगे तो कुछ इस टाइप की आपको गाड़ी ये नज़र आने वाली है। ठीक है, एंड जो अलॉय व्हील है जैसे मैंने बताया आपके R15 के हैं, रिक्वेस्ट सेंसर वन साइड ही यूज़ किया गया है। रियर की बात करूँ तो यहाँ पे साइड में भी आपको विंडोज दिए गए हैं जहाँ आराम से आप बाहर का नज़ारा ले सकते हैं, पीछे बैठ के भी काफ़ी सारा बड़ा सा एक विंडो दिया गया है, काफ़ी लोग इसको ब्लैक करा लेते हैं, बट यहाँ कोई कर्टेन यूज़ नहीं की गई इस गाड़ी के अंदर, सिंपल से आपको कार मिलती हो सकता है कि क्योंकि ज़्यादा कुछ अगर इसमें एलिमेंट करेंगे तो आपको गाड़ी महंगी पड़ जाएगी, तो इससे कॉस्ट कटिंग बोलते हैं, गाड़ी को सस्ती कैसे की जाती है। साइड मिरर्स ब्लैक मिलेंगे आपको। मैं बात करूँ तो अब तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसके अंदर ये हुंडई का मतलब किसी भी कंपनी की गाड़ी में अब तक इस प्राइस लिस्ट में डैश कैम मिल रहा हो, इससे अपर प्राइस लिस्ट में भी डैश कैम नहीं मिलता। जैसे हुंडई क्रेटा, आपकी सेल्टोस, आपकी बात करूँ मैं किया कार्निवल या फिर कोई भी गाड़ी, उसमें ही आपको हुंडई का डैश कैम या किया का डैश कैम या टाटा की बात करूँ तो कोई भी कंपनी आपको इस प्राइस लिस्ट में डैश कैम नहीं देती, यहाँ तक कि जो आयोनिक 5 है उसमें भी डैश कैम आपको यूज़ नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बात करूँ जो लाइट है ना, ये हुंडई के एच से इंस्पायर है, जैसे कि हर जगह एच है, पीछे भी एच है, जला के और दिखा देता हूँ आपको मैं कि लाइट जलने में कैसी है। इसके लिए गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, चाबी जब आपकी जेब में रहती है, तो गाड़ी को एक बार इग्निशन ऑन करते हैं अपन एंड आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि जो लाइट है जलने के बाद कैसी दिखती है। अभी लाइट चालू है, आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों की लाइट अच्छी लगी, काफ़ी लोगों ने नहीं। इसके पीछे जो पार्किंग लाइट है वो नॉर्मल जो ये वाला जो बल्ब है हैलोजन वाला वही यूज़ किया गया, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ें, बाकी देख सकते हैं दूर से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। एंड रियर में भी आपको दिखा देता हूँ कि जो टेल लैम्प है उसका डिज़ाइन कैसे है चालू होने के बाद, वो दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ये हुंडई के एच से इंस्पायर है, काफ़ी अच्छा है। नीचे नंबर प्लेट लाइट वो भी आपको नॉर्मल हैलोजन में मिलेगी, यहाँ तो LED यूज़ कर लेनी चाहिए थी यार। चलो बाहर का सब कुछ हो चुका है, चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। मैं बैठ चुका हूँ हुंडई एक्स्ट्रा में एंड जो मेरी की है उसको हमेशा लोग यहाँ रखते हैं, बट यहाँ नहीं रखनी होती आपको, जो बोतल होल्डर है ये कप होल्डर है, या फिर यहाँ आप इसकी को रख सकते हैं या फिर यहाँ रख दीजिए, यहाँ ना रखें, ये जो आपका वायरलेस चार्जर है इसको कंज्यूम करेगा इसकी बैटरी को। ओके, तो गाड़ी का इग्निशन मैं ऑन करता हूँ, गाड़ी के अप्लाई के देखते हैं क्लस्टर मीटर के दिखने में कैसा है। सो गाड़ी मैंने स्टार्ट करी
एंड स्टार्ट करने के बाद जो क्लस्टर मीटर है वो इंस्पायर है i20 एंड बात करूँ वेन्यू आपकी वरना इन गाड़ियों से इंस्पायर है ये आपका क्लस्टर मीटर। इसमें वही चीज़ें जो सेम पहले आती थी, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज बता रहा है, कंट्रोलिंग ट्रिप बता रहा है AB, यहाँ पे ये सेंस रिफ्लोलिंग बता रहा है, यहाँ पे सेंस लास्ट रीसेट बता रहा है, तो वही चीज़ें हैं जो सेम पहले थी। स्टीयरिंग की बात करूँ तो सेम लेदराइज आपको स्टीयरिंग मिलता है जो टेक्सचर किया गया, थोड़ा सा इसका फ्लो को कम कर देता हूँ एक मिनट। ओके, बात करूँ यहाँ कंट्रोलिंग की तो वॉइस कमांड मोड, वॉल्यूम कंट्रोल, आपका यहाँ पे चैनल चेंज करना, कॉल उठाना, फेवरेट प्लेलिस्ट, यहाँ पे आपका सर्विस रिमाइंडर, क्रूज कंट्रोल का यूज़, ओके, रिसेट, यहाँ पे इसको स्पीड वगैरह को आप बढ़ा सकते हैं। जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसमें पेडल शिफ्टर का यूज़ किया गया है, ये मैनुअल है आपकी, पेट्रोल में ही अवेलेबल होगी प्लस CNG में अवेलेबल होगी, 1.2 कापा इंजन, 1.2 कापा CNG इंजन के अंदर अवेलेबल होगी। बात करूं मैं यहाँ पे AC वेंट्स की तो AC वेंट्स वही हैं जो पहले आया करते थे, जो इंस्पायर है आपकी हुंडई ग्रैनाइट एंड ओरा से। जो टेक्सचर दिया गया है साइड में तो उसमें थोड़ा सा अलग कलर था, यहाँ अलग कलर दिया, बट ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, टेक्सचर थोड़ा अलग कर दिया गया, वही सेम वाले से इंस्पायर है, जो फ्रंट में जो ग्रिल दे रखी उससे इंस्पायर है, बट कलर अच्छा लग रहा है, पूरा ब्लैक ही नहीं है, थोड़ा सा बीच कलर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया। जो वो वाले AC वेंट है वो मजबूत होते हैं काफ़ी, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत होती है इनका, पता नहीं ये थोड़ी देर में ये निकलने लग जाते हैं। ओके, सो बात करूँ मैं इसकी डिज़ाइन की फ्रंट की तो ये भी इंस्पायर है हुंडई ग्रैनाइट से, ये इंस्पायर है आपकी वरना से, वेन्यू से। सो ये इसमें बटन थोड़े चेंज कर दिए हैं, बाकी सेम वही है, थीम वगैरह थोड़ी आपके किया सेल्टोस से, किया कार्निवल से इंस्पायर हैं, जैसे किया भी तो वही सेम कंपनी है, भाई भाई जो भी दोनों कंपनियां हैं तो वही सेम थीम यूज़ करी, पर थीम थोड़ा चेंज कर दी गई ग्रैनाइट से, तो अच्छा लग रहा है दिखने में, बटन होने चाहिए, मैं तो इंस्पायर हूँ बटन से कि बटन से यूज़ करना थोड़ा फिक फ्रेंडली या बोल सकता हूँ थोड़ा इजी हो जाता है कमांडिंग देने के लिए। हजार स्विच AC वेंट्स, यहाँ पे फ्लो को ज़्यादा कम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लो को यहाँ से करें, टेम्परेचर को यहाँ सेट कर सकते हैं, ये वाले जो बटन से सबको वाले पता है, वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है, इसको आप निकाल नहीं सकते, एक्चुअली ये फिट हो चुका है सही, आई थिंक पहले निकल जाता था ये, नहीं नहीं निकल जाएगा ओके ठीक है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी अगर बेस्ट मॉडल लेते हैं तो उसमें भी आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। एक USB एंड एक USB यहाँ मिलेगी आपको, तो दो USB, ये चार्जिंग नहीं है आपको पेन ड्राइव, ये चार्जिंग प्लस सी टाइप आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड बात करूँ आपको गियर, आपको मिलते हैं 5 गियर, एक दूसरा है रिवर्स लेदराइंग, एक 1 लीटर की बॉटल रख देंगे आप, छोटा सा गिलास आप ये रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ मिलता है आपको हैंड ब्रेक जहाँ पे आपको यूज़ किया गया हल्का सा क्रोम, ओके, यहाँ फ़ोन वगैरह आप इजीली रख सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ दे रखी है, ये थोड़ा साइड जो पैसेंजर है उसके लिए अच्छा है, को ड्राइवर है उसके लिए अच्छा है, तो यहाँ रख सकते हैं फ़ोन वगैरह। आपको ग्लो बॉक्स में कूलिंग का फीचर मिलता है, यस, यहाँ बस लाइट आपको अवेलेबल नहीं होती है। बात करें स्पीकर्स की तो वही मोबीज वाले स्पीकर है हुंडई जो देती है, बोस के स्पीकर नहीं है, सब जगह मेटल सब जगह आपको हार्ड टच फील होगा। यहाँ एक कमी और है जो बता दूँ, यहाँ ट्विटर यूज़ नहीं किए गए, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद ट्विटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रैनाइट नियोस या ओरा के अंदर जो स्पीकर दे रखे हैं थोड़ा सा आपको कमी महसूस कराती है कि वहाँ ट्विटर होने चाहिए थे, क्योंकि साउंड जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा अच्छी सुनाई दी, बट यहाँ यूज़ नहीं किए, आफ्टर मार्केट आपको लगवाने पड़ेंगे। जो लाइट है रूम लाइट वो भी आपको यहाँ पे फिर से वही हैलोजन मिलती है, वॉइस कमांड का यूज़, सनरूफ अवेलेबल हो जाता है जो इंडिया का सबसे फेवरेट है, तो हर किसी का निकलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वही बता दूँ कि चलती हुई गाड़ी से सनरूफ के बाहर ना निकले, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर हो सकता है ब्रेक लगने के बाद। पीछे भी आपको वही हाइड लैम्प मिल जाता है हैलोजन वाला, यहाँ हेडरेस्ट है जो एडजस्टेबल नहीं होते हैं, सीट बेल्ट आपकी एडजस्टेबल नहीं है, इसके अलावा वहाँ पावर विंडो स्विच दे रखा है, 1 लीटर की बोतल, छोटा सा आपको साइड में पॉकेट और मिल जाता है। आपके यहाँ आ जाते हैं सीट बेल्ट के लॉक, ठीक है, तो इस साइड का हो चुका है, यहाँ आते हैं AC वेंट, पुश बटन स्टार्ट, आपको मिलता है टैक्सिंग कंट्रोल, ये कैमरे को आप कमांड कर सकते हैं, आपको कैमरा देखना और रियर का, ठीक है, तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो हेडलाइट को आप स्विचिंग करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, पावर विंडो स्विच कंट्रोल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, आपको पावर विंडो रियर पावर विंडो स्विच, आप यहाँ से चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगा सकते हैं, पीछे के पावर विंडो को यूज़ ना कर सकें, यहाँ फ्रंट पावर विंडो, ये वन टच वाला फील आपको यहाँ मिलता है, बाकी किसी में नहीं है। लॉक अनलॉक साइड मिरर को सेट करना यहाँ पे मिल जाता है, जो कलर है वो इंस्पायर है सेम उसी कलर से, सिल्वर कलर यूज़ नहीं है, ये कलर थोड़ा हल्का सा डार्क कलर जैसा यूज़ किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा बात करूँ तो यहाँ मिल जाता है आपको ये जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको लॉक अनलॉक करने का, पेडल शिफ्टर आपको मेटल मिलेंगे ऑटोमेटिक में, फ्यूल में ये फ्यूल पंप को ओपन करने का यहाँ पे दे रखा है, डिक्की का स्विच यहाँ नहीं है, पीछे से ही आपको स्विच दे रखा है, वही आप कर सकते हैं, यूज़र स्विच टू यूज़र मोड, ओके नो मुझे नहीं जाना, चलो चल जाते हैं। मुझे सबसे अच्छा नहीं लगा, एक तो ये डिज़ाइन जो दी गई है नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसा कि कलर उड़ चुका है यहाँ का, क्यों आपको नहीं लग रहा?
जैसे कि आपके एसी वेंट्स में देखी वो डिज़ाइन, ये जो कलर नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा बात करो सीट की, तो ये लेदराइज एंड रैक्सिन दोनों मतलब फैब्रिक्स जो है इसका अच्छा है, साइड में लेदराइज है एंड बीच में ये थोड़ा सॉफ्ट टच सा यूज़ किया गया है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। हालांकि ये ठीक है ये वाला कलर, क्योंकि गंदी नहीं होगी। जो हुंडई नियोस एंड ओरा में जो सीट दी गई है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलती है, सो वो चीज़ अच्छी है। टेक्सचर थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पे, एंड जो ग्रैप हैंडल है ये आपके एडजस्टेबल है जो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ वैनिटी मिरर मिलता है, वैनिटी लाइट नहीं मिलती, हालांकि थोड़ा कवर कर रहा है बट इतना नहीं कवर कर रहा क्यों, ये एडजस्टेबल नहीं देते यार। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई मतलब वैनिटी मिरर नहीं है ना वैनिटी लाइट है, बट एक आपको पॉकेट होल्डर आपको यहाँ दे दिया गया, थोड़ी टिकट वगैरह होल्डर। ये आपका ब्लू नहीं है, ये आपका वैसे ही वो वाला कलर है जो ये वाला कलर दिया गया है, वही कलर आपको ये वाला मिलता है। तो ठीक है, साइड मिरर्स आपके हो ही गए, यहाँ से आपको लॉक अनलॉक करना है, तो आपको बटन को दबाइए, जो साइड मिरर्स है वो लॉक अनलॉक हो जाते हैं आपके। चलते हैं पीछे की तरफ, मैं एक बार इसको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देता हूँ कि मुझे कितनी साइज़ चाहिए होती है। मैं हूँ 5'8" का, सो मैंने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग सीट को अभी एडजस्ट कर दिया है। हैंडल की बात करूँ तो इसमें टिल्ट या टेलीस्कोपिक मिलता है या नहीं मिलता है? ओके, सो यहाँ पे टिल्ट मिलता है बट टेलीस्कोपिक का यूज़ तो यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, सो ओनली टिल्ट है, बट ये जो लेदराइज है ये टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सॉफ्ट लगता है, जो यहाँ हटा जाता है ना ये हाथ जो है यहाँ से दुखने लग जाते हैं, सो वो चीज़ मैंने यहाँ से नोटिस करी है गाड़ियों में। बाकी ये लोगो चेंज कर दिया गया है, वही है जो बाहर दे रखा है आपको, ग्लोसी सब ब्लैक था आपको, जो इसके डिज़ाइन दे रखी है बाहर की ग्लोसी ब्लैक है। इसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ RS मतलब ब्लू लिंक, ये एडजस्टेबल। यहाँ सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो है यहाँ हुंडई डैश कैम, ये अब तक की सबसे पहली गाड़ी है या दूसरी गाड़ी बोल सकता हूँ, हुंडई इससे पहले आपकी आती थी ये एनलाइन वेन्यू एनलाइन में डैश कैम, ये लाइव रिकॉर्डिंग करेगा अंदर बाहर की दोनों। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर है, जब रेड लाइट पर पुलिस वाला रोक लेता है, चोरी हो जाती गाड़ी, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है इस डैश कैम का, जिसमें बटन दिए हैं। इसकी जो लाइव रिकॉर्डिंग है ये आई थिंक से 7 डेज 8 डेज के अंदर शायद ऑटोमेटिक डिलीट होती है, कैसे क्या है इसका मैं भी अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, इसको कैसे यूज़ लेते हैं। सो ये हुंडई डैश कैम में काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये शायद 6 लाख से लेके और 10 लाख के बीच में आपके एंड होती है। 6 लाख वाला जो मॉडल है वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, काफ़ी लोग तो लेते नहीं है, काफ़ी कंपनियाँ कहीं कहीं डिलीवरी नहीं देती है, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है EX वाले मॉडल के साथ। सो चलते हैं पीछे की तरफ, मैंने इसको एडजस्ट कर ली है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सीट के अंदर आपको मिल जाता है सीट को एडजस्ट करने का, अप डाउन करने का फीचर भी, जैसे यहाँ दे रखा है ये, सो यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया है। एंड चलते हैं पीछे की, जो स्पीकर है उसकी डिज़ाइन थोड़ी एलिमेंट है वो अलग कर दिया गया, जैसे वहाँ देख रहे हैं आप वो चीज़ें थोड़ा सा अलग कर दिया गया है डिज़ाइन पहले के मुकाबले। सो चलें पीछे चलते हैं, मैं आ चुका हूँ पीछे की तरफ एंड सीट को करते हैं फोल्ड एंड चलते हैं पीछे, क्योंकि ये 30-60-40 ये मतलब फोल्ड नहीं होती, कम्प्लीटली फोल्ड होती है। तो मैं आ चुका हूँ पीछे एंड सबसे पहले देखते हैं थाई सपोर्ट। तो थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाता है आपकी, आपको यहाँ पहले जो नहीं मिलता था। एंड लेग स्पेस आप देख सकते हैं, हेडरूम यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुझे मिल रहा है, ये जो आराम से 6-6.5 इंच का भी आदमी यहाँ बैठ सकता है, बट फिर उसको यहाँ पे थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड बात करूँ मैं थाई सपोर्ट की, हेडरूम की बहुत अच्छा है यहाँ, जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलते हैं, बट कमी ये है कि फ्रंट में वो नहीं दिए गए हैं, हालांकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए सही भी है नहीं भी, काफ़ी लोग इसको हटा देते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ आपको नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ हैंडल्स जो है जो कि ग्रैप हैंडल हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं। रूम लाइट वहाँ दी गई है, थोड़ा सा इसको यहाँ दे देना चाहिए, थोड़ी कहाँ बिगड़ जाता है, बट फिर भी ठीक है, दो तो दी गई कम से कम काफ़ी गाड़ी में, तो सनरूफ देने के बाद ये एक ही दी जाती है। यहाँ पर भी आपका वही एडजस्ट आपका हैंडल है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, सब जगह हार्ड टच डिज़ाइन वही फ्रंट वाली दी गई है। स्पीकर्स 4 मिल जाते हैं, बोस के नहीं है। मैगजीन होल्डर आपको एक मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, वो भी बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, हालांकि आप लोग सीट कवर लगाते हैं तो उसके बाद तो दोनों ही आपकी पॉकेट आपको मिल जाते हैं। रियर में AC वेंट, एक चार्जिंग सॉकेट पीछे दे रखा है आपको, यहाँ देख सकते हैं। रियर का AC जो है फ्लो वो नॉर्मली सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का लगा बट है, कम से कम दे तो रखा है इस प्राइस लिस्ट के अंदर। आपको ये भी आपको अवेलेबल हो जाता है, पार्सल ट्रे काफ़ी डिग की, जो बूट स्पेस है ना वो काफ़ी अच्छा है, 391 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 3 सीट बेल्ट मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, एक आपको साइड विंडो मिलता है, विंडो ग्लास जो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई लाइट यहाँ नहीं मिलती, बट पावर विंडो स्विच में कोई भी आपको कर्टेन भी यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पे। इस प्राइस लिस्ट में तो होना ना होना बराबर ही है। सो मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ, गाड़ी को करते हैं ऑफ।
सो ये गाड़ी दिखने में आपको कैसी लगी बताइए जरूर कमेंट करके। खाली वॉक अराउंड था इस गाड़ी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था मेरा रिव्यू या मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस क्या रहा, ये चीज़ें नहीं मेंशन करी गई इस वीडियो के अंदर। सो आप कमेंट करके बताइए गाड़ी कैसी लगी। इस प्राइस लिस्ट में ये गाड़ी जो मिलेगी आपको 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मिलेगी। एक्सोरूम प्राइस रखी गई इस गाड़ी की, एंड गाड़ी का जो डिज़ाइन है फोटो के अंदर गाड़ी छोटी दिख रही है बट रियल में गाड़ी काफ़ी बड़ी दिख रही है। वेन्यू से बात करूँ तो थोड़ी हल्की फुल्की थोड़ा फर्क पड़ेगा बट काफ़ी गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। सो मिलते हैं और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा। गाड़ी के अंदर कुछ जानना है तो हम कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा हुंडई की कोई भी गाड़ी हो उस पर वीडियो बनानी है, अदर कंपनी गाड़ी हो उस वीडियो बनाए तो मुझे बताइए, मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। इसके अलावा चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।